इंशाइया। लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है, यानी इंशाइया का जो इब्तदाई लफ्ज़ है इंशा, ये उर्दू में बहुत से मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इंशाइया भी उसी लफ्ज़ से बना है, यानी इंशा से इंशाइया बना है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ इससे अरबी लफ्ज़ अस्सयू से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। यानी उर्दू में जो उर्दू लैंग्वेज के जो मुहक्किकीन है, रिसर्चर है, उनका कहना है कि ऐसे जो इंग्लिश वर्ड है वो असल में अरबी वर्ड अस्सयू है ना, अस्सयू से डिराइव्ड है, टेकन है। ओके, और अस्सयू का मतलब है इंशा, यानी इंशा का इक्वल मीनिंग है। अस्सयू फ्रांसीसी में एसई और अंग्रेज़ी में ऐसे बना, यानी अस्सयू को अगर फ्रेंच में लिखा जाए तो ऐसे ही कहते हैं फ्रेंच में, फ्रेंच वर्ड में, और इंग्लिश में ऐसे बिकम है ना, ऐसे हो गया। इब्तिदा में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता उनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलग एक इलाहिदा सिंफ करार पाई। कहते हैं कि जब इंशाइया का वजूद हुआ था या फिर मज़मून निगारी का वजूद हुआ था, तो उस ज़माने में मज़मून यानी आर्टिकल राइटिंग एंड एसे राइटिंग में कुछ ज़्यादा ग्रेटर डिफरेंस नहीं था, मगर एज़ द टाइम पासेस जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चेंजेस भी बढ़ती गई। इंशाइया के अंदर क्या क्या वजूहत, क्या क्या असबाब होने चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और मज़मून में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए, ये सब इलाहिदा इन खूबियों की बिना पर वो सब दोनों में फ़र्क, वाजी फ़र्क पाया गया है। और अभी फिर मौजूदा वक्त में इंशाया एक इलाहिदा सिंफ यानी कि सेपरेट जनर ऑफ उर्दू प्रोस इस कॉल्ड। इंशाया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहदात और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफी से बयान करता है। कहते हैं कि जो इंशाया ऐसे राइटर होते हैं वो अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशंस और सेल्फ इम्प्रेशंस को फियरलेसनेस एंड इंफॉर्मल वे में दे आर एक्सप्रेसिंग। कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौजूआ से मुतल्लिक ख्याल के तमाम मरहले खुश तबीर के साथ तय किए जाते हैं। कहते हैं कि जब हम कभी किसी भी टॉपिक पर कोई ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर सीरियसनेस और ह्यूमरस मीन्स नॉट अनसीरियसनेस और सीरियसनेसनेस जो भी हो, संजीदगी हो या गैर संजीदगी हो, इन तमाम सूरतों में खुश तबी यानी हैप्पीली मतलब क्या है, उसके रीडिंग में एक पढ़ने में एक टेस्ट होना चाहिए, खूबी एक निखार होनी चाहिए, यानी जिसे पढ़ने के बाद पढ़ने वाला रीडर कारी क्या हो जाए, खुश हो जाए, उनकी तबीयत में खुशी का अंसुर नुमाया हो जाए। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाया का मतलब ये होता है कि एक मैटर से दूसरा मैटर को ड्राइव्ड करना, एक मैटर को बयान करते हुए करते उसमें दूसरे मैटर को भी शामिल कर लेना, पैदा कर देना का एक आर्ट है। इंशाया निगार मफहूम से खाली गुफ्तगू में भी माना पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी उसके बरक्स भी होता है। कहते हैं कि इंशाया निगार जो होते हैं, ऐसे राइटर जो होते हैं, किसी भी मैटर में जो भी रिडिकुलस होता है, मीनिंगलेस होता है, ऐसे मीनिंगलेस मैटर को भी मीनिंगफुल बना देता है, और कभी कभी उसका ऑपोजिट भी होता है, जो मीनिंगफुल होता है उसको मीनिंगलेस बना देता है, यानी वैल्यूबल बना के जो वैल्यूबल है उसको वैल्यूलेस और जो वैल्यूलेस है उसको वैल्यूबल बना देता है। ये इंशाए निगार की खूबी हैं, यानी अगर जो कोई इस तरह अपनी तहरीर में, अपनी लिखावट में खूबी पैदा करता है तो उसे इंशाइया निगार बनने से कोई रोक नहीं सकता, बल्कि ये इंशाइया निगार की खूबी हैं। इख्तिसार उसकी पहचान है, उसमें मिजाह या ठठोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती हैं। कहते हैं कि जब कोई इंशाइया निगार होता है तो उसकी इंशाइया यानी उसकी तहरीर में हंसी और हल्की फुल्की मिजा यानी लॉफिंग, स्माइलिंग
और ए लिटिल बिट ऑफ स्माइल इज ऑल्सो हिडन इन राइटिंग। अगर यानी उसकी तबा पे, उसकी किताबत में, तहरीर में, उसकी इंशाए निगारी में अगर ये एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ स्माइलिंग, एलिमेंट ऑफ लॉफिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सही मानों में, सही माना में वो एक इंशाए निगार नहीं है, यानी उसकी इंशाए निगारी अभी दुरुस्त नहीं हुई है। ख़याल आफरीन उसकी एक अहम खसूसियत है, यानी एक उम्दा थॉट, उम्दा यानी प्रीशियस थॉट होना बहुत ही ज़रूरी है इंशाए निगार के लिए, इंशाए निगारी के दरमियान यानी उसकी तहरीर में, ऐसे राइटिंग में यूनिक थॉट होनी चाहिए। उर्दू में इंशाइया के इब्तिदा, उर्दू में इंशाइया के इब्तिदा सर सईद अहमद के रिसाले तहजीबुल अखलाक से होती है। यानी अगर हम उर्दू में इंशाइया निगारी को देखें, ऐसे राइटिंग को सर्च करें, तो हमें जो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मिलेगा वो है तहजीबुल अखलाक, जिसे सर सईद अहमद ख़ान ने प्रिंट किया था। फिर उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखज़न ने उसे फ़रोग दिया। यानी पहले तहजीबुल अखलाक में इंशाया के नमूने मिले, फिर उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह जो राइटर हैं उन्होंने अवध पंच और मखज़न इन दोनों मैगज़ीन में लिख कर वो इंशाया को फ़रोग दिया, डेवलप किया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज फतेहपुरी, मेहदी अफादी, फरहतुल्ला बैग, काजी अब्दुल गफ्फार, पतरस बुखारी, सईद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निलामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने इस सिंह को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। यानी इस जनरल ऑफ उर्दू प्रोस इज़ पॉपुलराइज्ड बाय दिस राइटर्स।